जो हमारे देश की बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हमारी देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है, कहीं भी जॉब करने जा रही हैं। अब डॉक्टर के साथ मुंबिता उसके साथ ये किया गया है, वो तो सबकी हेल्प कर रही थी, डॉक्टर के उसका क्या कसूर था? उसने नाइट की जॉब की और उसके साथ दरिंदों ने इतना हाल किया, उनको सजाए मौत मिलनी चाहिए। जब हमारे देश की सरकार ये कुछ नहीं कर सकती तो अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है हमारे देश में बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं तो सजा उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उसके बस की सरकार चलानी नहीं है तो हमारे देश की बेटियां कोई भी सुरक्षित नहीं है, बस हम चाहते हैं उन्हें सजाए मौत मिलनी चाहिए, इसीलिए हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। छोटी से छोटी बच्ची हो चाहे बड़ा से बड़ी बच्ची हो, चाहे लेडीज़ हो चाहे कोई हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है इस समाज में, कोई भी सुरक्षित नहीं है। और वाकई कानून व्यवस्था ऐसे लोगों के हाथ में जिनका घर परिवार नहीं है, उन्हें घर परिवार के बारे में कुछ नहीं पता। अगर घर परिवार के बारे में उन्हें पता हो ना तो वो कम से कम किसी एक बेटी के लिए तो खड़े हों, वो किसी के लिए खड़े नहीं होते होंगे। अगर एक बेटी के लिए खड़े हो ना तुरंत उनको सजा दे दे, सजाए मौत दे दे, फांसी दे दे, तो दूसरा बंदा ये करने से डरे कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, लेकिन कोई नहीं देता सजा उनको, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा खुले हो रखेंगे। हम चाहते हैं कि तुरंत इनको सजा मिले, कोई भी इनको वो ना मिले कि आज की डेट कल की डेट नहीं, तुरंत ही उनको सजाए मौत दी जाए, ताकि थोड़े से लोग ऐसा करने से डरें कि इसकी एक ही सजा है, सजाए मौत। चाहे वो किसी भी छोटी जाति का हो, बड़ी जाति का हो, कितना अमीर हो, कितना छोटा हो, कितना बड़ा हो, सब किसी तरह का भी इंसान हो, हर जुर्म की सिर्फ एक सजा, सजाए मौत, और कोई से नहीं। जी, आज का जो हमारा प्रदर्शन है वो महिलाओं को लेके, जो आज महिलाओं के साथ हो रहा है, आए दिन हर आप देखिए कि हर दूसरे दिन आप मीडिया के ऊपर देखिए, हमें न्यूज़ मिलती है कि आज उस महिला के साथ ऐसा हो गया। निर्भया कांड के बाद लगता था कि अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन निर्भया के बाद लगा नहीं, हज़ार निर्भयाओं के साथ ऐसा काम हुआ और आज तक इसके लिए कोई सख्त कानून नहीं बन पाया। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम आज एक मामूली सी छोटे उससे बात करती हूँ मैं, अगर आप किसी थाने के अंदर जाती हैं अपनी FIR कराने के लिए एक महिला, तो थाने के अंदर आपको आपका थाना आपको कोऑपरेट नहीं करेगा, आपके साथ आपकी FIR नहीं लिखेगा, आपसे उल्टे 10 सवाल किए जाएंगे, आप पीड़ित होंगी, आप परेशान होंगी, आप थाने में जब पहुंचेंगे, लेकिन थाने में जाने के बाद आपको एक ही लगेगा कि थाने में आना बेकार है, हमारे लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। लेकिन मैं केंद्र सरकार से कहना चाहती हूँ, आप लोग सदन में बैठकर कहते हैं महिलाओं के लिए आरक्षण पास होना चाहिए, महिलाओं के लिए कहाँ आरक्षण हुआ? महिलाओं तो आज़ादी के बाद भी आज़ाद नहीं महसूस कर रही हैं, देश के अंदर आज भी महिलाएं अपने आप को आज़ादी नहीं महसूस करती हैं, उनको अपने कपड़ों का डर लगता है, लोग उनके ऊपर अगर वो कपड़ा लिबास पहने, अरे आप अपनी निगाह अपनी सोच को बदलिए, अगर वही कपड़ा पहनकर आपकी बेटी निकले घर से या आपकी बहन निकले घर से, क्या आप उसके साथ बलात्कार कर लेंगे? क्या आप उसके ऊपर गंदी सोच रख लेंगे? तो अपनी सोच बदलिए। और मोदी जी और अमित शाह जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आए दिन महिलाओं के साथ हो रहा है और सारी पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे के इसके अंदर BJP हो, कोई भी पार्टी हो, मेरी हर पार्टी से अपील है कि आप देश के जिम्मेदार बनते हैं, आप देश के रहनुमा बनते हैं, अगर आपने बलात्कारियों को पाला तो आप भी देश की बेटियों के बलात्कारी हैं, अगर इन्हें सजाएं नहीं दी आप जिम्मेदार हैं इसके, हटाइए इन्हें। इन बलात्कारियों को कैसे विधायक बनाते हो, इन बलात्कारियों को कैसे पार्षद बनाते हो, आप भी बराबर के मुजरिम हैं बेटियों के, अपनी सोच बदलिए। अमित शाह जी सख्त कानून करवाइए, मोदी जी सख्त कानून बनाइए। और महिलाओं के अवेयरनेस के लिए हम काम करते हैं, लेकिन अफसोस आता है कब तक इतनी निर्भयाएं सामने आएंगी। 2012 से हजारों केस ऐसे आ चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक कोई कानून ऐसा पास नहीं किया है जिससे बलात्कारी जो हैं वो बेखौफ होकर घूमते हैं, उनको कोई डर और खौफ नहीं है। हमें ये केंद्र सरकार हो या कोई भी सरकार हो, आम आदमी पार्टी हो, BJP हो, कांग्रेस हो, हम NGO के माध्यम से ये पहुंचाना चाहते हैं कि बलात्कारियों के लिए ठोस से ठोस कदम उठाएं। अगर इनके लिए अगर ये बाइज्जत घूमते रहते हैं तो इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप लोग भी हैं, दिल्ली सरकार हो,
केंद्र सरकार हो, दिल्ली पुलिस हो या कहीं की भी सरकार हो, पूरे देश में कहीं भी की सरकार हो, उसमें कहीं ना कहीं सुई उनके ऊपर भी उठती है, क्योंकि ठोस कदम वही उठा सकते हैं। जनता तो सिर्फ अपनी आवाज़ उठा सकती है, मांग कर सकती है, हम लोग राजघाट पे आ सकते हैं, अपनी मांग देश के लिए उठा सकते हैं, लड़की के लिए उठा सकते हैं, ये सब के लिए आज मेरे लिए भी है, क्योंकि मैं अपने लिए भी आई हूँ, अपने बच्चों के लिए भी यहाँ आई हूँ, क्योंकि हम ही सुरक्षित नहीं है, हमें भी डर लगता है।